बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालात में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और बस में टक्कर हो गई। बस की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्टीयरिंग में फंस कर पिता की मौत। मासूम बेटा भी घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस छोड़कर चालक फरार। यूपी के गाजीपुर में सेप्टिक टैंक की आड़ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के दो कारोबारी को पकड़ा। मौके से 15 लाख की कीमत की अवैध शराब भी जब्त। यूपी के सहारनपुर में सरकारी स्कूल में फटी रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज। विस्फोट के बाद गिरे स्कूल की दीवार। गांव में अफरा तफरी का माहौल। देवबंद पुलिस ने बम के पुर्जे को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार डंपर से बाइक सवार को रौंदा गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। घुसाए परिजनों की पुलिस से नोकझोंक हुई। परिजनों का आरोप, पुलिस ने डंपर चालक को भगाया। यूपी के बहराइच में किराने की दुकान में घुसा 12 फीट लंबा अजगर। रेस्क्यू के दौरान सड़क पर ट्रैफिक के बीच रेंगता हुआ नजर आया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हरियाणा के सोनीपत में बदायूं के दो सगे भाइयों के सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप गाड़ी ने दोनों भाइयों को पीछे से मारी टक्कर। परिजनों में कोहराम मचा। यूपी के बहराइच में दरगाह परिसर में झूले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली अधेड़ के शव। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरगाह शरीफ पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने की हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। और इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल स्टार प्रचारक नसीम खान ने पार्टी का प्रचार करने से इनकार कर दिया है। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका लगा है। स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नसीम खान ने कांग्रेस के राज्य में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से MVA ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। अबू आजमी ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं, तो वही BJP ने कांग्रेस पर प्रहार किया है कि दो ऐसे दल उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, जिनके पास न दल का नाम बचा है न चुनावी चिन्ह बचा है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस दल राष्ट्रीय पक्ष है उसको पूरी तरह से अपमानित कर दिया। और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय का डर एक और, आपसी अनबन, आपसी झगड़े, और ये सारे कारण इनको ले डूबेंगे। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। इसराइल ने हिजबुल्ला के कमांडर्स को लेकर बड़ा दावा किया। लेबनान हमले में हिजबुल्ला के फील्ड कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने के लिए मिस्र ने प्रतिनिधिमंडल इसराइल भेजा, और इसके बावजूद गाजा पट्टी में देखा गया आसमान में काले धुएं का गुबार। इसराइली सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमा पर दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया। इसराइली सेना ने राफा पर कब्जा करने की तैयारी की है और सरकार की मंजूरी मिलते ही ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। गाजा युद्ध के विरोध में फ्रांसीसी छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पेरिस विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए हजारों छात्रों ने कहा विश्वविद्यालय में गाजा इसराइल के सैन्य अभियानों को बढ़ाने में शामिल किसी भी कंपनी के साथ अपना सहयोग समाप्त करें। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। इसराइल के समर्थन में छात्रों ने निकाली रैली। ये रैली इसराइल हमास युद्ध के खिलाफ छात्रों के फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के जवाब में निकाली गई। हमारे
हमारी नजर रहने वाली है। तो पांच बड़ी खबरें क्या है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आपको बता रहे हैं। मेगा मिशन पर है तमाम दिग्गज, तूफानी प्रचार का दौर जारी है, तीसरा चरण है और इसके लिए प्रचार पर तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। अमेठी रायबरेली पर अभी मंथन जारी है कांग्रेस में, तो वही कोर्ट की फटकार, सुनीता का प्रचार, तो दूसरी तरफ अमानतुल्ला की आज पेशी होनी है राउत जमनी कोर्ट में। तो ये पांच बड़ी खबरें जिन पर हम पूरे दिन चर्चा करेंगे। तो बीते कल जहां दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब तीसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी। और आज पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां करने वाले हैं। प्रचार प्रसार तेज हो चुका है तीसरे चरण के लिए। कोल्हापुर, दक्षिण गोवा और धार में प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करके प्रचार करेंगे, रैलियां, जनसभा को संबोधित करेंगे। और 7 मई को जैसा कि तीसरे चरण का अब मतदान होना है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की कई रैलियां अब तक देखी जा चुकी हैं और दो तस्वीरें आपके सामने। तीसरे चरण का रण अब शुरू हो चुका है, तो वही विपक्ष पर करारा वार भी करते हुए तमाम ये बीजेपी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। अपनी जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी के बार बार सीट बदलने को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का वार पलटवार का दौर भी साथ ही साथ जारी है। एक तरफ प्रचार प्रसार और तमाम प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते हुए तमाम ये दिग्गज, तो दूसरी तरफ प्रचार प्रसार के दौरान लगातार ये देखा जा रहा कि हमलावर है तमाम दिग्गज। और देखिए तीसरे चरण के लिए प्रचार भीषण हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार होने वाला है 3 अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में। और उधर गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी ललकारते हुए नजर आएंगे। और कन्नौज में अखिलेश यादव भी प्रचार प्रसार अब करने वाले हैं, तो वहीं सुनीता केजरीवाल अब प्रचार प्रसार करेंगे। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट से जहां सीएम केजरीवाल को अब फटकार लगी है, तो वहीं अब सुनीता केजरीवाल उनकी जगह पर प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। तो प्रचार प्रसार का ये दौर जारी हो चुका है तीसरे चरण के लिए। तो लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। एक तरफ बीजेपी बंपर जीत का भरोसा जता रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन सत्ता में वापसी के दावे कर रहा है। भीषण गर्मी में मतदान प्रतिशत भले ही कमी दर्ज की गई हो, लेकिन तीसरे चरण के प्रचार का शोर बदस्तूर जारी है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत भले ही पिछली बार से कम हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। जीत के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन वाले अब सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। 4 जून को किसकी सरकार होगी ये साफ हो जाएगा। हालांकि दूसरे दौर के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर रही थी, उसका बयां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ यूं किया। पीएम मोदी ने लिखा, दूसरे चरण का मतदान बहुत अच्छा रहा। देश भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। युवाओं और महिलाओं ने एनडीए को मजबूत समर्थन दिया। अब तीसरे चरण के रन के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कोल्हापुर और दक्षिण गोवा में पीएम की रैलियां हैं। धार में भी पीएम मोदी का आज प्रचार होगा। कोल्हापुर में शाम 5 बजे पीएम की रैली है, तो वहीं दक्षिणी गोवा में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आज शाम 7 बजे वास्को में पीएम रैली करेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुस्लिम तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है। अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है
ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने दूसरे चरण से पहले विपक्ष खासकर कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टिकरण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी के अलावा आज बीजेपी के कई दिग्गज तीसरे चरण के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। गुजरात के पोरबंदर, भरूच, पंचमहल में गृह मंत्री शाह की चुनावी रैलियां हैं। वडोदरा में शाम 4:30 बजे अमित शाह का रोड शो होगा। गुजरात में 7 मई को सभी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। मैनिफेस्टो को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और गोकशी पर सवाल उठाए। सीएम योगी आज यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में सीएम योगी की रैलियां हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है, अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण में जो मतदान संपन्न हुए, उनमें यूपी की 8 सीटों पर 54% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 56%, राजस्थान में 13 सीटों पर 62%, बिहार में 5 सीटों पर 54.4%, जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर करीब 70% मतदान हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र के 8 सीटों पर करीब 54%, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर 72%, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर 73%, कर्नाटक में 14 सीटों पर करीब 65%, तो वहीं असम में 5 सीटों पर करीब 71%।